हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि चैप्टर एनालिटिक चैप्टर बोल रहा हूँ, जो आपका पेपर एनालिटिक ज्योमेट्री से रिलेटेड करता है। जो चैप्टर है वो स्फीयर है, उस पर बेस्ड एक सिंपल सा प्रॉब्लम है। क्वेश्चन कहते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर थ्रू द सर्कल। सर्कल मीन्स स्फीयर प्लस प्लेन एंड द ओरिजिन, और वो ओरिजिन से होता हुआ जा रहा है। आपको पता है हमें देखो स्फीयर क्या दे रखा है, यहाँ पर छुपा हुआ है स्फीयर। ये स्फीयर हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 9, ये चीज़ है। तो आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। ये हमारा एक इक्वेशन है किसका, स्फीयर का, ऐसे लिख दो इसे, ठीक है। एंड जो हमारा प्लेन है, प्लेन क्या दे रखा है, एक्स वाई प्लस वाई माइनस 2z प्लस 4 इक्वल टू 0। चलो ये तो सही है, इक्वेशन नंबर 2 मान लो इसे। और ये किसकी क्वेश्चन है, प्लेन की क्वेश्चन, पी दिख दो इसे। अब थ्रू बोला, थ्रू का मतलब होता है, ऐसे लिखना है आपको, द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर थ्रू सर्कल। पता क्या होता है फॉर्मूला, ये होता है एस प्लस लेमडा पी इजकस टू 0, और यही लैम्डा आपको फाइंड करना है। एस क्या है वो लिख दो स्फीयर की इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 9, और लैम्डा क्या है निकालना है। पी क्या है हमारा, प्लेन एक्स प्लस वाई माइनस 2z प्लस 4 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर ए मान लो इसे, ठीक। ओके, अब ये हमें लैम्डा फाइंड करना है। एट ओरिजन से जा रही है, किससे जा रही है, ओरिजन से। एक्स की जगह पर 0 रखो, y की जगह पर 0 रखो, z की जगह पर 0 रखो, ऊपर वाले इक्वेशन में। तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, बचेगा सिर्फ माइनस 9 लैम्डा। ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो, बचेगा सिर्फ 4। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ रही है, 9/4। तो आपको क्या करना है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में 9/4 रख के सॉल्व कर लेना है आपको बस। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, आप नेक्स्ट स्टेप में पुट द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन फर्स्ट, ठीक है। तो रख देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, फर्स्ट बोल लो ए में, इक्वेशन ए, ठीक है, इक्वेशन ए रख देते हैं। क्या जाएगा देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 9 था, और लैम्डा के प्लेस पे क्या है, 9/4 ये लिख दिया हमने, और ये x प्लस वाई माइनस 2z प्लस 4 इक्वल टू 0। ये 4/ में इधर आके क्या जाएगा, मल्टीप्लाई में, सॉल्व कर दो, 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर, 4×9=36 आ जाएगा, ठीक है, प्लस 9 से अंदर गुणा कर देंगे इस 9 से, और टोटल का 4 इधर आके 0 हो जाएगा, 9x प्लस 9y और दुनिया 18z, 4×9=36 प्लस का आ जाएगा इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि बट्टे में टोटल के 4 था, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इधर का 0 हो जाएगा, और इसको थोड़ा और सॉल्व कर लोगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 4x स्क्वायर 4y स्क्वायर 4z स्क्वायर प्लस 9x प्लस 9y माइनस के 18z इक्वल टू 0। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा।